थ्री। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थ्री नाइसमैन फिर आ गए आपकी खिदमत में, आपके सामने एक फंटास्टिक रेमेडी लेके, ऐसी रेमेडी लेके जो रेमेडी ये एक ऐसी रेमेडी है जिसमें आप बढ़िया से बरसात में बैठ करके पकौड़े खाना चालू कर देते हैं। ये रेमेडी मतलब क्या है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमारे फैन हैं, हमें देखते हैं, तो सबसे पहले लाइनें उनके लिए ये वो रेमेडी है जो है एग्रेवेशन बाय फर्स्ट मोशन। एग्रेवेशन बाय मोशन, कंटिन्यूड मोशन एंड एमएल रेटेड बाय कंटिन्यूड मोशन। यस, समझ में आ गया। इट इज एग्रेवेटेड बाय कोल्ड डैम्प रेनी वेदर, जिसमें रेस्टलेसनेस है, पेन में रेस्टलेसनेस है, और ये रेस्टलेसनेस फिजिकल है, मेंटल रेस्टलेसनेस, एंजाइटी का रेस्टलेसनेस आर्सेनिक का होता है। इस रेमेडी का रेस्टलेसनेस फिजिकल होता है। तो ये रेमेडी है कौन सी है बच्चों? ये है रस्टॉक्स। ओके, रस्टॉक्स ये ऐसी रेमेडी जो हमने फर्स्ट ईयर में सीखी है और फर्स्ट ईयर से हम उसे यूज करना सीखे हैं और उसको और बेहतरीन तरीके से ऐसे यूज करना सीखें कि एक घाव दो टुकड़ा हो जाए, फैंटास्टिक, आपको पता चल जाए कि यही रेमेडी है, यही पेशेंट है। तो रस्टॉक्स में सबसे पहली चीज, सर्वप्रथम हम लोग अक्सर ये बताते हैं, आपके साथ में शेयर करते हैं कि जब एक पेशेंट आता है, एक एनर्जी लेकर के आता है, जैसे हम अपने दोस्तों को या किसी रिलेटिव को देखते हैं तो कुछ फील होता है, तो रस्टॉक्स का पेशेंट जब आता है तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको ऐसा फील होगा, एक अच्छा फील आएगा। कुछ एरोगेंट लोग होते हैं, कुछ रोतड़ू होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक ऐसा पेशेंट होता है जिसको देख करके आपको, उन्होंने कार्सिनोसिन पहले लिया हुआ है तो आप कार्सिनोसिन पढ़ सकते हैं पुराने वीडियोज में जा करके, तो एक अच्छी सी फीलिंग आएगी। और रस्टॉक्स का पेशेंट आपके साथ में ऐसे डिस्कशन पे डिस्कशन या एरोगेंस में बहुत ज़्यादा बोलेगा नहीं, अपने काम की बात करेगा। और सबसे बड़ा कंसर्न जो रस्टॉक्स का पेशेंट लेकर के आता है आपके पास में, जब आप केस को एक्सप्लोर करेंगे तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि ये एक फैमिली ओरिएंटेड बंदा है। अफेक्शनेट रूब्रिक है, अफेक्शनेट, अफेक्शनेट को हिंदी में कहते हैं जो अपने लोगों को प्यार करता है, अफेक्शनेट है, और उनकी चिंता उसको ज्यादा रहती है, उनकी केयर उनको ज्यादा, केयर अबाउट हिज रिलेटिव्स, ये एक रूपरेखा है। तो मतलब ये इतनी होती है ना कि ये अफेक्शनेट इतना होता है, स्नेही इतना होता है, या केयर इतना ज्यादा होता है कि अपने से ज्यादा। रस्टॉक्स की खास बात यह है कि रस्टॉक्स अपने आप को पीछे रखता है और दूसरों की ज्यादा चिंता करता है, ज्यादा परवाह करता है। ये बात जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रूब्रिक है सेल्फलेसनेस। सेल्फलेसनेस में सबसे इंपॉर्टेंट दवा है रस्टॉक्स, क्योंकि अगर ये इतनी मतलब इसकी की है इस दवा की, कि अगर जैसे शुरुआत में योगेश ने बताया कि रेनी वेदर, डैम्प वेदर, बरसात और थंडरस्टॉर्म और क्या है, कोल्ड वेदर, मतलब ऐसी कोल्ड डैम्प वेदर, मतलब ये सब चीज़ें जो मैंने अभी बताई ना, ये क्लाइमेट क्या डिस्क्राइब करता है, मतलब ये जो क्लाइमेट होता है ना, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म आते हैं, जहाँ पे आफत आने की चांसेस होती है, जहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस होते हैं, किसको नुकसान होगा, तो इसको क्या लगता है ना, रस्टॉक्स जो है ना, ये इस ये मोडलिटीज जो डिस्क्राइब करी हम लोग जो फर्स्ट ईयर से सुनते जाते हैं, तो क्या आप समर में और विंटर में रस्टॉक्स देंगे ही नहीं? हाँ, जहाँ पे कितने सारे कंट्रीज ऐसी है जहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लिटरली थंडरस्टॉर्म आते ही नहीं है ना, वहाँ पे मतलब ड्राई वेदर होता है, जैसे कि कहीं पे डेजर्ट है, वहाँ पे समझो वहाँ पे आंधी तूफान आती ही नहीं है, ड्राई वेदर है, सैंडस्टॉर्म आता है, लेकिन समझो कुछ जगह पे ऐसे काफी सारी जगह है ना जहाँ पे नहीं आता है, मौसम अच्छा रहता है, तो क्या वहाँ पे रस्टॉक्स यूज ही नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है। रस्टॉक्स की अगर ये जो की है ना, जो आपको हम आज देना चाहते हैं ना, वो समझने की कोशिश करो कि जैसे आलोक ने बताया कि ये फैमिली पर्सन होता है, ये अपने जो इर्द गिर्द के लोग है, फैमिली है उसकी, उनको ना अपने बच्चों की तरह समझता है ये,
मतलब इसको लगता है कि ना मैं खुद ही इनको आफत से, आंधी से, तूफान से बचा सकता हूं। तो ये तूफान आंधी क्या है एग्जैक्टली, इसको फियर समझने की कोशिश करो, ये डर क्या है। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक है फियर ऑफ थंडर स्ट्रॉम एंड फियर ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर, अभी डिजास्टर और थंडर स्ट्रॉम, अभी ये मौसम है कहाँ कहाँ पर, उत्तरांचल में, उत्तराखंड में इतना सारा थंडर स्ट्रॉम हो रहा है, इतना सारा डिजास्टर हो रहा है। जब डिजास्टर हो जाए, थंडर स्ट्रॉम हो जाए, तो समझते हो क्या होता है? पूरा सब कुछ तहस नहस हो जाता है, कुछ नहीं बचता। मतलब वो लोग के, आप न्यूज चैनल पे सुन रहे हो, अगर लोगों जो उसमें से गए हैं उनका अगर ये लेते हैं, बाइक लेते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कुछ नहीं, बस मिट्टी बची है, मिट्टी और कीचड़, ना घर रहे, ना आदमी रहे, ना कुछ रहा, सिर्फ कीचड़ बचा है। और उसमें क्या होता है ना, वो जो तहस नहस होने के बाद का जो सिचुएशन होता है ना, उसमें क्या होता है, रस्टॉक्स का माइंडसेट समझने की कोशिश करो। रस्टॉक्स क्या सोचता है? रस्टॉक्स ये सोचता है कि ये आंधी आने से पहले ही सोचता है, वो आंधी आने से पहले सोचता है, आंधी आने के बाद का इमेजिन करता है अच्छा एक वो। क्वेश्चन है तुम लोग से, इसका मतलब रस्टॉक्स जब तक ऐसी नेचुरल आपदा ना आ जाए तब तक नहीं देंगे? हाँ वही मैं बता रहा हूँ वही कि नेचुरल आपदा आने की जरूरत नहीं है। अभी हम केसेस जब बताएंगे ना आपको, तब आपको समझ में आएगा कि ये तूफान आंधी क्या है। जैसे समझ लो कि किसी का जॉब अच्छा चल रहा है, फैमिली अच्छे से चल रही है, घर में वाइफ बच्चे सब कुछ अच्छा चल रहा है, और अचानक से क्या होता है, अचानक से ऐसे होता है कि उनके घर में कोई बड़ा इंसान बीमार पड़ जाता है, जिसको लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, सारे पैसे चले जाते हैं, या फिर किसी का बिजनेस लॉस हो जाता है। बिजनेस लॉस होने के बाद ऐसी कंडीशन आती है कि खाने के लाले हो जाते हैं। तो उसके बाद है ना, तो हम लोग बोलते हैं ना उस वक्त कि यानी हमारे लाइफ में ना क्या हो गया ना, हमारे लाइफ में 2015 में एक आंधी आ गई थी, ऐसे तूफान आ होता है ना, गया था तूफान आ गया था, क्या लिटरली या आ गया बहुत था, बड़ी एक आपदा आ गई थी। आपदा आ गई थी। तो क्या सच में तो लिटरली आया था? नेचुरल जो होता है आंधी तूफान नहीं, उनके लाइफ में ऐसी कंडीशन आई जिसकी वजह से सब तहस नहस हो चुका है, राइट। तो वो चीजों को रिलेट करके रस्टॉक्स हमेशा डरता है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए नहीं, खुद के लिए कम रहता है, उसको लगता है कि मैं अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ, इस चीजों में से निकाल सकता हूँ, इसलिए वो उसकी केयर करने लगता है। एक छोटी सी केस बताता हूँ मैं, केस बताता हूँ तो आपको ना आइडिया आ जाएगा कि ये आंधी तूफान एग्जैक्टली क्या होता है और रस्टॉक्स कैसे सोचता है और कैसे बीमार पड़ता है। जैसे मैंने बताया ना कि आपको रस्टॉक्स काफी सारे मिलेंगे जहाँ पे किसी को बिजनेस लॉस हुआ है या घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हुई है, जिसके वजह से आगे जाके ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि आंधी तूफान आने के बाद क्या होता है कि सब जो तहस नहस होता है, और उसके बाद क्या होता है, रस्टॉक्स ये सोचता है कि उसके जो बच्चे हैं, फैमिली मेंबर या बच्चे, तूफान आंधी सब कुछ आके चला गया और वहां पे बीच में बैठे हुए हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको संभालने वाला कोई नहीं है, उनकी ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। और इमेजिन करो कि ऐसा तहस नहस हो चुका है सब कुछ, और रस्टॉक्स के माँ बाप या फिर रस्टॉक्स के बच्चे ऐसे नीचे गिरे हुए हैं, जमीन पे पड़े हुए हैं, और उनको देखने के लिए कोई नहीं है, संभालने के लिए कोई नहीं है। यही चीज रस्टॉक्स हमेशा इमेजिन करता है। हाँ तो इसको सिंबॉलिकली कि आप समझने की कोशिश करो, जैसे एक केस मैं बताता हूँ आपको, जो कि एक लड़की है, वो नर्सिंग का कोर्स कर रही है, तो उसको एलोपैथी की काफ़ी आइडिया है, तो ऑलमोस्ट उसका नर्सिंग का कोर्स ख़त्म होने को आ रहा है, और उसको साइनस की प्रॉब्लम है 3-4 साल से, और उसने एमआरआई वगैरह किया है, ईएनटी से ट्रीटमेंट काफ़ी कर चुकी है, लेकिन उसको बिल्कुल राहत नहीं है। साइनस की वजह से सर वगैरह इतना दर्द करता है कि उसको ना रहा नहीं जाता है। तो ये लड़की जब मेरे पास आती है तो उसको मैं पूछता हूँ कि ना आपको क्या क्या हो रहा है, मतलब पिछले 3-4 साल से आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस हो रहा है आपको? तो उसने बताया कि हाँ सर स्ट्रेस तो है बहुत, और इस तरीके से बता रही है जैसे कि इसके लाइफ में सच में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या उम्र होगी उसकी तो लड़की उसकी की? उम्र देखो नर्सिंग नर्सिंग के लास्ट ईयर में रहेगी, तो 21 22 23 साल कुछ तो रहेगी। करेक्ट। तो जब से जैसे मैंने उसको इंफॉर्मेशन पूछने गया मैं कि क्या क्या कौन कौन है घर में, तो पता चला कि ये सबसे यंगेस्ट है घर में। हाँ उसकी अच्छा एक उसकी एक बड़ी सिस्टर, उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, जो अच्छे जॉब वॉब में है, और उसका बड़ा भाई है जो कि हैंडीकैप्ड है, ठीक है, और उसके डैडी है ना गवर्नमेंट जॉब में, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब है, और रिटायर होने के लिए आए हैं, ठीक है, मतलब अभी भी रिटायर्ड नहीं हुए हैं उस वक्त जब वो ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। तो वैसे सोचा जाए तो आप डैडी का गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है, फिर भी ये टेंशन ले रही है। तो इसको पूछा क्या टेंशन है, उसने बोला कि सर मेरा भाई है ना वो हैंडीकैप्ड है, ऐसे सर पकड़ के बहुत दर्द हो रहा है उसको, सर वो हैंडीकैप्ड है ना,
तो ना उसका टेंशन होता है कि आगे जाके क्या होगा, कैसे होगा। तो जब और पूछताछ किया तो समझ में आया कि ऑल दो वो मतलब कमर के नीचे उसको लिम्स में मतलब लोअर एक्सट्रीमिटीज में उसको तकलीफ है, तो वो व्हीलचेयर पे चलता है, लेकिन उसके हाथ बहुत स्ट्रांग है, हाथ से वो इधर उधर 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 जा सकता है, सारी चीज़ों का ख्याल रखता है। और वो है ना, उसका एक शॉप है DTP का, प्रिंटिंग का, जो कि बहुत अच्छा चलता है, इतना अच्छा चलता है कि बाद में उसकी ये तो बाद में हुआ, लेकिन उसकी शादी भी अच्छे से हो गई, सारे सब कुछ ठीक हो गया। मतलब ऐसा नहीं था कि इसने ना, इसका जो केयर था, फ्रस्ट्रेशन था, डर था, फिकर थी, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन था, क्योंकि हाँ ये यंगेस्ट है, करेक्ट, ये यंगेस्ट है, लेकिन ये अपने बड़े भाई को अपना बच्चा समझ रही है, क्योंकि ये वो यंगेस्ट हैंडीकैप है, है, क्योंकि वो हैंडीकैप्ड है, वो करेक्ट, अपना ख्याल नहीं रख सकता, आंधी तूफान आने वाला है और उसमें ये अपना ख्याल रखने के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए ये उनकी टेंशन लेती है। और क्यों, क्या लगता है इसको कि मैं कब नर्सिंग करके बाहर आ जाऊंगी और कब मैं सारी चीजों को सेटल करूंगी, मतलब आंधी तूफान को ये एंटिसिपेट कर रही है, और कब मैं बाहर आके इन सबको मैं आंधी तूफान के चपेटे में आने से रोकूंगी, और उसका स्ट्रेस लेती है, बहुत स्ट्रेस लेती एंड है। दिस इज आवर लाइफ इज क्रिएशन ऑफ आवर माइंड। सभी बुद्धा जी ने बोला हुआ है कि अपनी जो जिंदगी है वो हमारे माइंड से उसका निर्माण होता है, हमारे मन से निर्माण होता है, तो हम जो सोच रहे होते हैं ये उसको डिजीज की स्थिति में लाता है। तो ये जो इमोशंस हैं वो जब डिसप्रोपोर्शनेट, जिसका अनुपात लाइफ में आपकी एज के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसमें पापा गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं सब कुछ, तुम्हें क्या जरूरत है इतना ज्यादा सेंसिटिव होने की। हाँ, आप अफेक्शनेट हो सकते हैं कि यार कि भाई की केयर करनी, लेकिन अपने ऊपर सोच लेना ये रस्टॉक्स को सिक बनाता है। मतलब ये बड़ा भाई है, उसने फिक्र करनी चाहिए, उसके बराबर, डैडी ने फिक्र करनी चाहिए ना बच्चों की, लेकिन ये अपने आप को अपने डैडी के पोजीशन पे समझती है। मतलब रस्टॉक्स ये ना फैमिली का प्रोवाइडर होता है, और वो सोचता है कि मैं शायद प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, शायद मैं इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और फैमिली उस आंधी तूफान कैसे, उसको क्या लग रहा है कि ना बड़ा भाई जो है ना वो हैंडीकैप है, और उसकी शादी की उम्र होते जा रही है, टल रही है, और पापा की रिटायरमेंट पास में आ रही है, रिटायरमेंट होने के बाद भैया की शादी कैसे होगी, फैमिली तहस नहस हो जाएगी, रिटायरमेंट होने के बाद इनकम कम हो जाएगी, पेंशन मिलेगा लेकिन कम रहेगा वो, तो ये एंटीसिपेशन है। मतलब क्या, आंधी तूफान अभी रास्ते पे है, आ रहा है, और ये परेशान कर रहा है उसको, जैसे जैसे टाइम चले जा रहा है इसका हेडेक, साइनस, सारी तकलीफें बढ़ रही है। और ये जब आई थी जिस वक्त, ये एकदम लास्ट मोमेंट पे आई थी, कैरिड डिजर्व टू बी कैरिड फास्ट में भी है रस्टॉक्स, क्योंकि फास्ट क्यों, क्योंकि आप सोचो अगर आंधी तूफान आ रहा है तो क्या आप ऐसे बोलेंगे, अरे योगेश एक काम कर, जरा वो आंधी तूफान आ रहा है, मैं जरा चाय पी के आता हूँ, तू एक छाता होता जरा लेके आ, जरा जरा ना प्रॉब्लम बचना चाहिए थोड़ा, हाँ थोड़ा और तेरा छाता मिलता है कि, हाँ जरा देखो जरा सा थोड़ा छाता वाता, थोड़ा ऐसे नहीं होता है। आंधी तूफान आती है तो एक अर्जेंसी होती है, एक डर होता है, एक इमरजेंसी होती है, तो वो रस्टॉक्स के प्रेजेंटेशन में आपको हमेशा दिखेगा। रस्टॉक्स जब आपके सामने प्रेजेंट करता है ना, तो बहुत डरा हुआ रहेगा, फैमिली की चिंता को लेके बहुत परेशान रहेगा, ऐसे रहेगा, आपको लगेगा कि अरे बाप रे, ये कुछ समय में, मतलब टाइम नहीं है, कुछ समय में सारा तहस नहस होने वाला, ये फीलिंग आपको आएगी उसकी प्रेजेंटेशन में, ठीक है ना। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं कि रेनी सीजन, कोल्ड वेदर, मतलब यहाँ पे इमोशंस के लिए जगह ही नहीं है, यहाँ पे किसी को प्यार दिखाने के लिए, जताने के लिए टाइम नहीं है। जैसे कोई बिजनेसमैन है, बहुत अच्छा चल रहा है, और अभी उसका किसी ने एलिमेंट फ्रॉम लूजिंग मनी में भी रस्टॉक्स है, क्योंकि आजकल आंधी तूफान आने के चांसेस ज्यादातर क्या होते हैं कि किसी का बिजनेस लॉस हो गया तो, या फिर कोई बहुत बड़ी बीमारी आ गई तो, या फिर बहुत बड़ी कोई संकट आ गया फैमिली के ऊपर। तो ये क्या है ना, ये सोचता है कि ना संकट आएगा, कुछ भी आ जाएगा, या सपोज उसको खुद को बीमारी हुई है, रस्टॉक्स जो पेशेंट है उसको खुद को बीमारी हुई है, तो उसको क्या लगता है ना, जैसे कोई माँ है तो उसको क्या लगता है ना कि उसको ना पेट में ना बहुत सालों से ठीक नहीं हो रहा है, तो आपके सामने ऐसे रोएगी, ऐसे मतलब आप बताएगी सर बहुत तकलीफ हो रही है, आप पूछोगे क्या, लेकिन आपको डर क्या लगता है, श्रामोनियम बोलेगा सर अंदर कुछ है तो नहीं, कैंसर भी सर कैंसर आंसर तो नहीं है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है, रस्टॉक्स क्या बोलेगा, रस्टॉक्स बोलेगा सर बहुत दर्द हो रहा है, आपको परेशानी क्या, टेंशन क्या, सर डर लग रहा है, छोटे बच्चे हैं सर, उनका क्या होगा, मैं जाऊंगी तो, मैं जाऊंगी तो, जैसे वो जॉनी लीवर का डायलॉग है ना उस मूवी में, छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब हमेशा उसका सारा चीज है ना वो अपने लव्ड वन के ऊपर, मतलब बच्चों के ऊपर। इस बीच में कड़ी है, अगर मैं जल्दी से ठीक हो गया तो कल से काम पर जा सकूंगा, एग्जैक्टली काम पर जा सकूंगा, तो बच्चों की केयर हो जाएगी, बच्चों को प्रोवाइड कर पाऊंगा, अगर वो नहीं, इसीलिए उसको जल्दी ठीक होना है, इसीलिए
जल्दी से ठीक होकर के काम करना है, जिससे कि इसीलिए एलिमेंट्स फ्रॉम मनी लूजिंग का मतलब रस टॉक्स के लिए उसकी फैमिली है और मेट के लिए उसका ऑनर है। मनी मनी इज अ रिसोर्स, तो मनी सिर्फ पैसा नहीं होता है। रस टॉक्स के लिए बिजनेस इंपॉर्टेंट क्यों है ये जानना जरूरी है आपको। बिजनेस और की बात करेगा लेकिन सिर्फ बिजनेस इसलिए उसको करना है जिससे कि वो फैमिली की केयर कर सके। बिजनेस करने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए, काम करने के लिए आपको खड़े रहना जरूरी स्वस्थ होती रहना है। जरूरी स्वस्थ रहना, खड़े रहना, सीधे बैठना जरूरी होती है। मतलब आप ऐसे बैठ के काम कोई नहीं कर सकते। तो रस्टॉक्स को ना वो एंग्जाइटी होती है जब उसका बिजनेस बैठ जाता है, आ, आ. पैसा बैठ जाता है, मतलब बेंट हो जाता है, एंग्जाइटी सिटिंग। सिटिंग बेंट। तो ये ना, ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन है उसका, लेकिन इसको समझने की कोशिश करो कि ये जो नर्स है ना, इसको यही लग रहा था कि मेरे को साइनस हो गया, मुझे मैं जा नहीं सकती, मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। अगर मैं कंप्लीट नहीं करूंगी, मैं अर्न करना चालू नहीं करूंगी, तो मैं मेरे भाई की शादी कैसे कराऊंगी? मेरे पापा अभी रिटायर होने के लिए आ गए, मैं उनको फैमिली को कैसे संभालूंगी? मतलब ये जो लड़की है जो कि 21 22 23 साल की है, अरे इसने तो खुद के बारे में सोचना चाहिए सही कि है। मेरा शादी कैसे होगा, मुझे हाँ कोई बॉयफ्रेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरा कोई पार्टनर मिलेगा मैं नहीं अच्छे मिलेगा घर में जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। अपने, अरे उसके खुद के सपने होने चाहिए ना, जो कि नामो निशान नहीं है। अपने खुद के बारे में रस्टॉक्स सोचता नहीं है, छोड़ सेल्फलेस, देता है, सेल्फलेस हो जाता है पूरी उसके तरह लिए से। प्रायोरिटी प्रायोरिटी उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसके रिलेटिव्स हैं। फैमिली होती है, बच्चे होते हैं। अभी एक केस में बताऊं, मेरे को एक रूब्रिक बताना है। यस करेक्ट। अभी एक बंदा आया, उसके अच्छा खासा यंग बंदा, 30 35 का है, घुटने में दर्द चालू हो गया। घुटने जॉइंट पेन्स की तरह बड़ी है यार, घुटने में दर्द चालू हो गया। अभी घुटने में दर्द चालू हो गया तो वो बड़ा परेशान कि सर ऐसा वैसा हो गया, ये हो गया, घुटने में दर्द चालू हो गया। मैं बोला अरे घुटने में दर्द हुआ है, ठीक है, हो जाएगा। अरे सर नहीं सर, मैं अकेला कमा रहा हूँ सर, मेरे दो बच्चे, बच्चों का कैसे होगा, फिर फैमिली, मेरी वाइफ भी सर पढ़ी लिखी नहीं हो गाँव से, फिर कैसे होगा सर, थोड़ा उसको। बोला अरे यार घुटने में दर्द सैकड़ों में हो जाते हैं और सालों चलते हैं, लोग काम करते हैं, सब करते हैं, तू खाए इतना टेंशन है? नहीं सर, मैं अगर बैठ गया तो। अरे तू घुटने में दर्द हो गया तो बैठ कैसे जाएगा? नहीं सर, मेरा पैर अगर बेकाम हो गया तो। बोला अरे ये कहाँ से आ रहा है? चिंता इतनी है ना कि वो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, उसके उसका इमेजिनेशन भयंकर। यू आर सफरिंग योर इमेजिनेशन, तो उसका सफरिंग, उसका फियर बिकम सुपरस्टिशियस। हाँ भैया, घुटने में अगर किसी ने बता दिया कि भैया तेरे मारे घुटने में कैंसर है, तो फिर भैया ये फील करना सही है। बस थोड़ा घुटने दर्द कर रहा है, तुमको लग रहा है मैं जगह पर बैठ जाऊंगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरे मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, ये कहाँ से आ गया? ये फियर है, लेकिन ये फियर सुपरस्टिशियस है, उसके पीछे कोई ठोस चीज हो। आपको कैंसर हो गया तो फिर भैया मेरे बच्चे बच्चों का कैसे होगा, ये जानना बात बराबर है, ये बात सही है। लेकिन मतलब इसका डर जो होता है ना, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन इतना होता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कि वो सुपरस्टिशियस की तरफ चला जाता है। एग्जैक्टली। तो ये रूब्रिक है फियर सुपरस्टिशियस, एक की रेमेडी है, रेमेडी इज रस्टॉक्स। और इसका ये होता है कि सर वो बाजू वाला था, उसके भी घुटने में दर्द हाँ हो रहा था, उसका कैंसर निकल गया सर घुटने का। अरे उसके घुटने में दर्द 100 लोगों के होता है, किसी एक का कैंसर निकल गया, तेरा भी कैंसर निकलेगा। घुटने में कैंसर? नहीं मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसका घुटना खराब हो गया, तो उसको वापस सुपरस्टिशन के ऑपरेट पीछे कोई करना। लॉजिक नहीं होता लॉजिक, मतलब ये जैसे पॉजिटिव बंदा पॉजिटिव चीजों से अट्रैक्ट होता है ना, उसको पॉजिटिव चीजें दिखेगी। हायोसाइमस को सारी है ना बिटरेली दिखती है सारी जगह पे। वैसे रस्टॉक्स को ना, रस्टॉक्स को क्या होता है ना, किसी अपने रिलेटिव्स या अपने दोस्तों के लाइफ में जो आपदा आ गई, जो संकट आ गया ना, वही देखता है, आ गया है, जो डिजास्टर आ गया है, वो माइंड में रह जाता है उनके। और जब अपने आपको स्टमक पेन हो रहा है, उसको लगता है कि एंड स्टेज का ही सोचता है कि मैं अभी बेड रिडन हो जाऊंगी, हो जाऊंगा, लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे और मेरे बच्चे ऐसे रास्ते पे आ जाएंगे। रास्ते पे आ जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे और मैं नहीं रहूंगा उनको प्रोवाइड करने वाला, तो कौन रहेगा, फिर कौन देखेगा उनको? तो ये जो कनेक्शन है ना सारा, ये इस तरीके से होगा।
ये प्रेजेंटेशन जो है ना, ये आंधी तूफान का प्रेजेंटेशन आपके इसमें वो आना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्यूट जो होता है, बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, क्रॉनिक बीमारी नहीं है, एक्यूट सी कंप्लेंट होती है ना, उसमें यही सारी चीज़ें, लेकिन एक सिंपल प्रेजेंटेशन में भी हो सकता है, जहाँ पे आपको बहुत बड़ा डर नहीं दिखेगा, क्योंकि पैथोलॉजी भी वहां तक पहुंची नहीं है। अगर उसको सालों साल, महीनों महीनों तक अगर रश्टॉक्स नहीं मिलता है, तो फिर ये बहुत आसानी से एक्सट्रीम कंडीशन पर चला जाता है, मतलब वो टेंशन स्ट्रेस रोना धोना। अभी अभी एक केस बताता हूँ आपको। एक बहुत सिंपल सा केस था। अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी एंटर्स इन द क्लिनिक अराउंड एज 35 ईयर्स। शी इज अ डिवोर्सी, ओके, जॉइंट पेन बहुत सारे, और उसके राइट शोल्डर में पेन हो रहा है। तो मैंने पूछा कि क्या हो गया, सब उसने बताया। फिर उसके बाद में बोला, हुआ कैसे ये, कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रहा होगा आपको, क्योंकि ये जो क्लासिकल वे से प्रिस्क्राइब हम लोग पहले करते थे, तो उसमें जॉइंट पेन की तो फर्स्ट रेमेडी है, बरसात हो रही थी, रस्टॉक्स फटाक से, करेक्ट ना। अब उसके कनेक्शन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि रस्टॉक्स को ही जॉइंट पेन, और भी कई सारी दवाइयां ना, लेकिन एक ग्रुप ऑफ रेमेडीज को ही बरसात के सीजन में जॉइंट पेन क्यों होता है। अभी रस्टॉक्स की कहानी सुनिए सर। वो शायद ऐसा हुआ होगा कि मैं कल किचन में खाना बना रहा, तो मैंने ऐसे करके कोई चीज उठाई, उसके बाद से सर चालू हो गया मुझे, ओके, ठीक है ना। वेरी वेरी करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ रस्टॉक्स, एलन्स की नोट्स खोलिए, मैं अभी पढ़ रहा हूँ आपके सामने। एलमेंट्स फ्रॉम ओवरलिफ्टिंग एंड स्ट्रेनिंग एंड स्ट्रेचिंग अप हाई, करेक्ट। इस चीज पर रस्टॉक्स देते हैं, वैसे को वैसे लिखा है, बिल्कुल वैसे, ठीक है ना। तो अब इसके पीछे कहानी क्या है, मैंने पूछा स्ट्रेस क्या चल रहा है लाइफ में। शी इज अ डिवोर्सी, डिवोर्स हो चुका उसका, बराबर, करेक्ट, ब्यूटीफुल लेडी। तो उसने बताया, सर स्ट्रेस ऐसा कुछ खास तो नहीं है, लेकिन बच्चे की चिंता बहुत रहती है कि बच्चे का कैसे होगा। मैंने कहा क्या है, बच्चा कितना बड़ा, सर बेटी है मेरी 8-9 साल की है। तो उन्होंने कहा और भी कुछ स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप थोड़ी सी परेशान लग रही मुझे। हाँ सर स्ट्रेस तो है। तो शी इज HR, HR है। और तो फिर उसने बताया कि सर मेरा जो बॉस है वो थोड़ा सा मेरे साथ में ज़्यादा क्लोज होने की कोशिश करता है, ओके, और बहुत ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब होता है उससे। तो मैंने कहा कि तो फिर रिज़ाइन कर दो ना, किसी दूसरे के ले लो, बिकॉज यू आर सो एजुकेटेड यू कैन गेट अ जॉब। नहीं सर, वो मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं कर सकती हूँ सर, अगर जॉब चला गया तो फिर बच्चे के लिए। तो मैंने कहा यू आर सो ब्यूटीफुल, डिवोर्सिंग आप मान लिया, बट यू कैन गेट अनदर मैन, देयर मस्ट बी मेनी मैन बिहाइंड यू, मतलब आप फिर से शादी कर सकते, फिर से शादी आप कर सकते, यू आर जस्ट 35। नहीं नहीं सर, वो मेरे दिमाग में ही नहीं है, वो मेरे दिमाग में नहीं है, अपने बारे में नहीं सोचता, अपने बारे में सोचना है, सोचा ही नहीं सर, मेरी बच्ची का क्या होगा। और ये अगर हस्बैंड आया दूसरा वाला, उसका भी बच्चा हुआ, तो मैं अपने बच्चे की तरफ केयर नहीं कर पाऊंगा, और उसने अगर सौतेला बिहेवियर दिखाया तो क्या बात। और इतना रीजनिंग देखो, रीजन पावर इंक्रीज जो होता है रस्टॉक्स का, वो इसी डायरेक्शन में होता है, वो आपके सामने एक्सप्लेन करके ही छोड़ेगा कि आगे चल के मेरे बच्चों पे किस तरीके से मुश्किलें आ सकती है। अब यहाँ पर ओवरलिफ्टिंग स्ट्रेनिंग कहाँ पर हुआ, जब वो दूसरा जॉब ले सकती है, लेकिन फियर ऑफ लूजिंग द ल्यूक्रेटिव जॉब क्यों है, क्योंकि यही ओवरलिफ्टिंग है उसकी, स्ट्रेच कर रही है ऑफिस में, उसका अब्यूज सहन कर रही है, ये उसका स्ट्रेचिंग है, ये उसका ओवर स्ट्रेनिंग है। नहीं सर मैं सहन कर लूंगी, लेकिन जॉब नहीं जाना चाहिए, जॉब गया तो फिर बच्चे का कैसे होगा। तो ये दिस इज द ओवर स्ट्रेनिंग, और इसीलिए वो ससेप्टेबल थी इस चीज के लिए। हर एक को ऊपर या लंबे, और मैं हम लोग भी कभी कभी किचन में जाते हैं, अच्छा, ऐसा करते हैं कि हमको दर्द होता है क्या शोल्डर में, तो इस चीज को थोड़ा समझने, वो ओवर स्ट्रेन इसलिए करता है कि एक रूब्रिक है रस्टॉक्स में कि इंडस्ट्रियस पेन, और फिर उसका सब रूब्रिक है कि वो पेन के बावजूद भी काम करता रहता है। क्यों करता रहता है ये समझना जरूरी है। ओवर स्ट्रेनिंग क्यों होती है, क्योंकि वो ओवर एग्जर्ट करता है फैमिली के लिए, बीमार हूं फिर भी मैं काम पर जाऊंगा, और इसलिए आपके पास में आता है कि जल्दी से कोई आप ऐसी दवा दे दो जिससे मैं ठीक होकर के काम पर जाऊं। अनदर इंपॉर्टेंट मॉडलिटी जो है, जो कि माइंड ब्रेन बॉडी एक्सिस को आपको जोड़ करके देखना है, उसको समझने की कोशिश करना, वो क्या है, द ग्रेट करेक्टरिस्टिक एलन्स में जैसा लिखा हुआ ऑफ रस इज दैट विथ फ्यू एक्सेप्शंस द पेन्स ऑकर एंड आर एग्रेवेटेड ड्यूरिंग रिपोज। जब आप रेस्टफुल कंडीशन में होते हैं तब वो दर्द आपका बढ़ता है, और जब
आप कंटिन्यूड मोशन करते हैं, काम पर रहते हैं, तो आपको अमेलोरेशन होता है, पेन में राहत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि जब आप काम कर रहे हो तो रिसोर्सेज आप ला रहे हो, घर पे बच्चे की केयर हो रही है, घर पे बैठ गए रेस्ट हुआ तो दिक्कत हो गई। क्यों? मतलब क्योंकि रिसोर्सेज नहीं आएंगे, मनी नहीं नहीं आएगा। आएगा तो उसके माइंड में ही है कि जैसे नवसोमिका है वो पूरी तरह आराम करना चाहता है ना, जब थक जाता है तो काम कर करके, बराबर है ना। वैसे ये जो है ना रस्टॉक्स, उसको अगर वो आराम करने लगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रोवाइड नहीं कर पाएगा तो उसके माइंड में वो रेस्ट कर ही नहीं पाएगा, बिल्कुल फिजिकली भी रेस्ट कर रहा है। इसलिए ये जो रूबरी गालोब ने बताया, वो सीनियर्स जो है होम्योपैथी के, IHHF के साथ जुड़े हुए, वो रिलेट कर पाएंगे। इंडस्ट्रियस मेंसेस बिफोर, मेंसेस मतलब ऐसी चीज जहाँ पे अभी प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है, मतलब कुछ प्रोडक्टिव नहीं होने वाला है, फेल होने वाला है ना, प्रेगनेंसी नहीं रुकने वाली है, तो आउटकम नहीं अच्छा आने वाला है। तो जब उसको ऐसे एंटिसिपेशन होता है रस्टॉक्स को हमेशा, कि आंधी तूफान आने के बाद तो अच्छा कुछ होने नहीं वाला है, तो सब खत्म होने वाला है, मेंसेस मतलब सब खत्म होने वाला है, तो उसके पहले ये जुड़ जाता है कि मैं ऐसी प्रोविजन कर सकूं, इतना काम करूं, इतना सब कुछ करूं कि बच्चों के लिए कुछ करके जाऊं, कि मेरे जाने के बाद भी बच्चों के लिए डिफिकल्टी ना हो। एक और एलेंस में लाइन लिखी, बैड इफेक्ट्स ऑफ गेटिंग वेट व्हेन ओवर हीटेड। इस चीज को सिर्फ लिटरली मत समझिए, इसके थोड़ा सा ऊपर। ओवर हीटेड आप कब होते हैं? जब काम ज्यादा कर रहे होते हैं। और स्टॉर्मी वेदर क्या करता है? स्टॉर्म स्टॉर्म बहुत बड़ा स्टॉर्म मत समझिए, समझिए आजकल बरसात हो रही है, तो कई बार ऐसा होता है कि बरसात इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम काम पर नहीं जा सकते। आज लेक्चर नहीं होगा, आज काम बंद है, आज स्कूल बंद है। तो ये वो उसका स्टॉर्म है कि आज मैं काम पर नहीं जाऊंगा, तो स्टॉर्म आपके काम में अड़चन डाल देता है। आप काम पर नहीं जाओगे तो रिसोर्स कैसे आएगा? तो इस चीजों को समझने की कोशिश करें कि रस्टॉक्स का स्टॉर्म क्या है। उसका स्टॉर्म ये है कि आज बहुत भयंकर पानी बरस रहा है, या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसकी वजह से मैं काम पर नहीं जा पाऊंगा। जैसे इस स्त्री के केस में हुआ कि उसको किसी भी स्थिति में वो जॉब लूज नहीं करना, अगर आगे चल के अगर मैंने रिजाइन किया दूसरी का जॉब नहीं मिला तो ये उसका स्टॉर्म है, ये उसका रेनी वेदर है। काफी कुछ केसेस में ऐसे भी होता है ना कि जहाँ पे सिबलिंग्स है और उसमें से कोई भी एक भाई, क्या होता है, बहुत केयर होती है उसको सबके तरफ, लेकिन वो ठीक है तब तक सब लाइफ में सब कुछ चल रहा है तो वो बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे अचानक क्या हो जाता है कि उनकी डैडी की या मम्मी की या जो भी फैमिली का रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उस उनकी ना किसी बीमारी की वजह से अचानक से डेथ हो जाती है, और जैसे ही डेथ हो जाती है ना, तब इसको वो जो फीलिंग होती है वो ओवरवेलमिंग हो जाती है। उसको अब महसूस होने लगता है कि अरे बाप रे, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, अभी वो इंडस्ट्री से था, अभी मेंसेस आने वाले हैं, अभी आपदा आने वाली है, क्योंकि अभी अभी ऐसे बैठ नहीं सकता, एंग्जाइटी सिटिंग बैठ नहीं सकता, अभी मुझे उठना है, खड़ा होना है, फैमिली के लिए कुछ ना कुछ करना है, इनकम लाना है, रिसोर्सेस लाने हैं, प्रोटेक्ट करना है और फैमिली को आपदा से बचाना है। तो ये जो होता है ना, उसकी बातों से आपके पास जब वो आता है ना, तब तो आपको समझ में आता है कि अरे ये तो बड़ा भाई भी नहीं है, ये तो बीच वाला या फिर ये छोटा फीलिंग है, आएगी आपको। लेकिन तो ये आर्ट है आपका, केस टेकिंग का ये आर्ट है। आपको समझना है कि इस बंदे को जो भी बीमारी है XYZ, वो कब से चालू हो गई, ठीक है ना। तो देखो अभी इसको ना ऐसा है कि ना, ये अपने फोकस कहाँ पे होता है? स्पाइनल कॉर्ड पे होता है, जॉइंट्स पे होता है, क्योंकि आप नी के भरोसे या अपने हिप के भरोसे या आपके स्पाइनल कॉर्ड के भरोसे ही आप खड़े रह सकते हो, काम कर सकते हो, कंटिन्यूअसली काम कर सकते हो, ज़्यादा काम कर सकते हो, इंडस्ट्रियस हो सकते हो। तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना, तो उसी चीज़ों की बीमारियाँ भी उसको पकड़ती है फिर उसी वक्त। तो आप जब पूछते हैं ना कि कब से हुआ, तो वो बताता है कि ये 3 साल पहले ऐसे ऐसे हुआ, 3 साल से मुझे ये तकलीफ हो रही है। तो 3 साल से आप क्या स्ट्रेस ले रहे हो? तो वो रोना ही चालू कर देगा, या फिर उसका चेहरा गिर जाएगा और वो बता देगा कि 4 साल पहले हमारे पापा जी की डेथ हो गई, और उसके बाद फैमिली में सर कोई देखने वाला नहीं है, बड़े भाई है लेकिन उनका भी जॉब ऐसा ऐसा है कि हम तो मैं सोच उनका रहा हूँ कि परमानेंट मैं नहीं है जॉब। परमानेंट नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ, और इसका कुछ भी नहीं है फिर भी ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जैसे आलोक ने बताया कि बहुत ज्यादा टेंशन लेता है ये इस चीज की। तो आ गया यस रस्टॉक्स। रस्टॉक्स तकरीबन सब फंटास्टिक एक एक चीज पिक्चर और बन है, गई। डीडी करना हाँ जरूरी है। ब्रायनिया ब्रायन रास्टॉक्स के साथ में अक्सर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते थे। ब्रायनिया में मोशन से तकलीफ होती है, ब्रायनिया इमोशनली ड्राई होता है पूरा, और ब्रायनिया दूसरों के बारे में नहीं सोचता। ब्रायनिया मतलब बिजनेस, बिजनेस रस्टॉक्स मतलब उसका जो बिजनेस है वो भी उसका परिवार है।
स्टॉक्स बिजनेस के बारे में सोचता है लेकिन क्यों सोचता है, तो यही चीज है ना कि जैसे मैंने ना काली ब्रोम के केस में ना कुछ बच्चे पूछते हैं, काली ब्रोम के केस में भी मैंने बताया कि वो भी ऐसे रोता है लेकिन वो क्यों रोता है, वो डर से रोता है कि मुझे इस तकलीफ कितना सहन करना पड़ रहा है, ऐसी चीज इतनी सहन करना पड़ रहा है कि मैं मतलब सहन करने के मेरी कैपेसिटी नहीं है, उस कैपेसिटी के बाहर जाके मुझे सहन करना पड़ रहा, फिर से सहन करना पड़ेगा, इसलिए वो रोता है। तो रस्टॉक्स एक थोड़े कॉम्पैक्ट साइज में आपको समझ में आ गई और ये कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन है। रस्टॉक्स और भी है जो कभी अगर सेमिनार होगा, कभी वेबिनार लेंगे तो उसमें और भी डिटेल लेंगे, केस के साथ समझेंगे तो और भी फैसेट समझ में आएंगे, लेकिन आम जिंदगी में आपके आम क्लिनिक में जो रोजमर्रा की प्रैक्टिस में आपको मिलता है वो प्रेजेंटेशन आज आपको 3 days में बता दिया है। और मेरा चैलेंज है 24 घंटे में ऐसी केस आपकी क्लिनिक में आना है, ये क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रेजेंटेशन है। और एक क्वेरी किसी की थी वो मैं ना थोड़ा सा एक मिनट बोलना चाहता हूँ, क्यों मालूम है क्या, मैंने कमेंट करे थे यूट्यूब पे कि ना ये आप ये इंटरप्रिटेशन कहाँ से लाते हो। तो देखो क्या होता है, शुरुआत में क्या होता है, जैसे हमारे गुरु है और हम लोग एक दूसरे के साथ हमारा सक्सेस शेयर करते हैं और उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। आपके पास अगर रस्टॉक की केस आप खुद सॉल्व करते हो ना, तो पहले शुरुआत में आपको सिर्फ दिखेगा कि कोई बंदा बोल रहा है मुझे ना बच्चों की फिक्र है, बच्चों की फिक्र है, बच्चों की एंग्जाइटी चिल्ड्रन तो है, या किसी को बिजनेस फेलियर के बाद या पैसा लूज करने के बाद बीमारी होगी, तो हेलमेट फॉर मनी लूजिंग वगैरह रूब्रिक्स है, ऐसे रूब्रिक्स है इनिशियली आप केसेस सॉल्व करते हो, लेकिन जब केस सॉल्व करते हैं ना तब आपको दिखता है कि केस में ना एंग्जाइटी चिल्ड्रन को वैनिला भी है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन में तो रूटा भी है, एंग्जाइटी चिल्ड्रन में हल्के भी है, एंग्जाइटी सल्फर भी है, कितनी सारी एसिटिक एसिड है, कितनी सारी रेमेडीज है, लेकिन इसका जो रस्टॉक्स का जो चिल्ड्रन के प्रति जो एंग्जाइटी था ना और उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी कुछ अलग थी। मतलब एक केस तो आपने सॉल्व किया 2-3 रूब्रिक के हेल्प से, लेकिन जब आप उसको रेट्रोस्पेक्टिवली स्टडी करते हो तो आपको समझ में आता है कि अरे ये रस्टॉक्स तो इसी तरीके से परेशान है, ये वाला रस्टॉक्स भी ऐसे ही परेशान है, फिर उसका थंडरस्टॉर्म, फिर उसका डिजास्टर सब दिखने लग जाता है, फिर सारी चीजें दिखती है, फिर हमें समझ में आता है कि अरे ये तो ऐसा है कि ना जरूरी नहीं है कि लिटरली थंडरस्टॉर्म आना चाहिए, ये उसकी माइंड में चल रहा है। तो ये जब आपको समझ में आता है तो क्या होता है ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जब पक्की हो जाती है, तो ये क्या हुआ है कि हमारे HHF में ना ये जो हमने अभी आपको बताया जो कि एक बहुत कॉमनिस्ट प्रेजेंटेशन है आपका, और ये इस तरीके से काम करता है, जो कि आपको हमें बिलीव नहीं करना है बिल्कुल, हमने सिर्फ आपको टिप्स दी है, की दी है। अभी आपके पास आएंगे 50 रस्टॉक्स के पेशेंट, आप अप्लाई करके देखो कि उनमें से कितने लोगों का इस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो डेप्थ में नहीं जा सकते, वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, हाँ एंग्जाइटी चिल्ड्रन है, ओके आपको अच्छा बच्चों की चिंता हो रही है, अरे ऐसे नहीं है, आप कनेक्ट करो अपने पेशेंट के साथ, उससे बात करो, बोलो क्या तुमसे मर्जी कर रहे हो, तुम्हारा तो बड़ा भाई है, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, इस तरीके से ना एम्पथी दिखाओ, पेशेंट के साथ कनेक्ट करो, तो वो आपके सामने ना रियल इमोशन निकालेगी, वो बोलेगी नहीं तो बड़ा वो कनेक्ट करेगी और सच में जो उसके अंदर का दर्द है ना वो आपको समझ में आएगा, तब आपको क्रक्स समझ में आएगा कि अरे हाँ ये तो रस्टॉक सेम ही है जो यहाँ पे डॉक्टर श्री कृष्णा ने बताया, यहाँ पे डॉक्टर आलोक ने बताया, डॉक्टर योगेश ने बताया, और ये अप्लाई हो गए तो ही विश्वास करना कि 3 days में बता रहे सही बता। अगर नहीं आप कर रहे हो प्रैक्टिकली या रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अपनी तरीके से आप आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। निष्कर्ष क्या निकला, रस्टॉक्स जॉइंट पेन की रेमेडी नहीं है, सिर्फ जॉइंट पेन की रेमेडी नहीं है ना, रस्टॉक्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए आपको जॉइंट को समझना पड़ेगा, जॉइंट पेन के पीछे के कारण को समझना पड़ेगा, रिलेशंस के जॉइंट जोड़ना पड़ेगा, इसीलिए कई बार ऐसा होता है, जैसे हम लोग के लिए बहुत आसान है कि ब्रायनिया और रस्टॉक्स को डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटारिटी, तो मुझे उसमें मुझे ऐसा लगता है कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ब्रायनिया ड्रायनिया है, वो सिर्फ बिजनेस के बारे में सोच रहा है, तो इमीडिएटली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रस्टॉक्स को फैमिली की जरूरत है, फैमिली के ऊपर मरता है वो, तो जमीन आसमान का फर्क हो गया कि नहीं। तो आप अगर आप फिजिकल्स के ऊपर रूब्रिक्स देखेंगे तो आपको दोनों मिक्स पिक्चर लगेगा, अरे यार ये दोनों तो बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल अगल बगल रिपर्टोरियल चार्ट में दिखेंगे, लेकिन जैसे ही आपने एंग्जाइटी चिल्ड्रन डाला, केयरफुल ऑफ फैमिली डाला, एंग्जाइटी फैमिली डाला, जमीन आसमान का फर्क आपको दिखने लगेगा, फर्क दिखेगा। तो हमको डिफरेंशिएट इस लेवल पर आकर के करना है जो कि बिल्कुल क्लियर कट हो, मिक्स पिक्चर हो ही ना, ब्रायनिया फैमिली की बात ही नहीं करेगा, रस्टॉक्स हमेशा फैमिली की मतलब बात, मतलब ब्रायनिया को जैसे देखो
अब एक बराने के पेशेंट है जिसको तकलीफ हो रही है एसी से पंखे से, तो वो क्या बोलती है पता है, वो अकेली बेडरूम में सोती है और अपनी छोटी बच्ची को और हस्बैंड को हॉर्न में सुनाती है। क्यों? क्योंकि मुझे एसी से और इससे तकलीफ होती है, मैं बंद करके सोऊंगी, आप हॉर्न में जाके चला। अरे लेकिन बस स्टॉप वैसे नहीं होता है, बस स्टॉप आप खुद तकलीफ सहन करता है, खुद को पीछे रखता है। तो ये डिफरेंसेस आपको देखने में आनी चाहिए आपके केसेस में, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये श्योर शॉट चीजें होती है, 100% चीजें होती है। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, और रश टॉक जैसी रेमेडी है ना, जो मेरे हिसाब से बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत फटाफट बहुत मिलती है। लेकिन अगर आप उसके क्रक्स को, मतलब उसकी जो दर्द है ना यहाँ का, उसको अगर आप टच कर सको, उसका क्रक्स समझ सको कि इसके लाइफ में सच में टेंशन क्या है, अगर आप उसको निकाल पाए ना, तो रश टॉक जैसे आसान रेमेडी नहीं है। और जैसे मैंने बताया, काली को इतना तकलीफ होता है तो उसकी पैथोलॉजी भी बड़ी होती है, परेशानी भी बड़ी होती है, वैसे रस्टॉक्स में आंधी तूफान का डर होता है ना, तो उसकी पैथोलॉजी इतनी बड़ी होती है, सारे घर वाले डरते हैं क्योंकि ये हमेशा परेशान रहता है, इतना ज्यादा अभी पैनिक रहता अभी है। डिफरेंशिएशन में कैल्केरिया फ्लोर भी है, हाँ, लेकिन उसका एक्सिस बिल्कुल अलग है, वो बहुत पुअर फील करता है, लेबरर्स रेमेडी है, आज सिर्फ उसकी चिंता ही रहती है कि आज जाके काम करूं, शाम को लाके खाना घर पे रखूं, फैमिली के लिए नहीं, फैमिली उसके दिमाग में नहीं है, सिर्फ खाना आना चाहिए, आने के आगे चल के कम पड़ गया खाना तो क्या होगा, आगे चल मतलब के आज काम नहीं कम पड़ गया तो करूंगा, क्या होगा, आज काम नहीं करूंगा तो कल क्या खाऊंगा, ये कलकेरा फ्लोर की कंडीशन होती है। यहाँ पे वैसे नहीं है, यहाँ पे ऐसा कि मैं काम नहीं करूंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और दोनों में कंटिन्यूड मोशन हमें रेट से, तो डिफरेंशिएट आप कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ठीक है। तो ऐसे ही बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स लेकर के आते रहेंगे, और मेडिसिन को इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लेवल पर, माइंड के लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारे प्रिस्क्रिप्शंस पुख्ता हो सकें, उसके पीछे एक ज़बरदस्त कारण हो और एक कॉन्फिडेंस हम लोग के अंदर आए कि हाँ यार, पेशेंट की लाइफ में ये गड़बड़ चल रहा है और ये रूब्रिक साफ साफ दिख रहा है उसकी फैमिली की गड़बड़ की या प्रोफेशनल लेवल पर गड़बड़ होने की वजह से, एंड नाउ वी विल प्रिस्क्राइब ऑन इट एंड मेजोरिटी ऑफ टाइम वी आर सक्सेसफुल। एग्जैक्टली। सो फिर थ्री नाइस मैन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट, अरे कमेंट नहीं करते यार, बड़ी कंजूसी करते हो तुम लोग, कमेंट कमेंट कौन करो, बताओ आपको क्या, कौन सी रेमेडी आपको चाहिए, वी विल ट्राई टू डू अवर बेस्ट कि वो रेमेडी आने वाले टाइम टाइम में हम लोग शेड्यूल करें, और अपने सारे दोस्तों को शेयर करिए, शेयर करो, हम लोग यहाँ ये पर चाहते हैं ना कि कितने सारे आपके इर्द गिर्द रश्टॉक्स ऐसे है जो कि परेशान हो रहे हैं, बीमारी सालों साल लेके चल रहे हैं, काम नहीं कर पा रहे, घर वाले सारे परेशान, तो हम लोग चाहते हैं कि ये वीडियो देख के कमेंट आप बॉक्स में शेयर अपनी करके अपनी सक्सेस स्टोरीज लिखिए कि लिखो, आपने ये देखा था और आपको सक्सेस मिली। होम्योपैथी अभी तो बहुत सेकंड लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रैक्टिस की जाने वाली मोडालिटी है, पाती है, तो हम चाहते हैं कि आप ये जो रेमेडीज को अच्छी तरह से समझ के आप रिजल्ट, और हम ये करें। चाहते हैं कि होम्योपैथी सर्वप्रथम प्रथम प्रथम चिकित्सा पद्धति बन जाए, क्या बस क्या नहीं, अभी काफी जगह पे हो रहा है, जैसे आप कलकत्ता वगैरह साइड में पहले से देखेंगे ना, पूरे इंडिया तो पूरे विश्व सारी में जो रियल बीमारी होती है, क्रॉनिक होती है ना, जिसका ना इंटरनेट पे जाके आप ढूंढोगे तो बोलेगे आपको दिखेगा कि इटियोलॉजी नॉट नोन, कॉज अननोन। अरे इतने बड़े बड़े कॉज बता तो रहा है योगेश कृष्णा, लोग सुनो ना, कहाँ से इटियोलॉजी तो ये है। साइंस क्या होता है ना, ये जो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है ना इसका, कि इस स्ट्रेस के बाद ये चीजें हुई है, ये आज अभी भी जो अभी का जो साइंस है वहाँ उसके रीच के बाहर की बातें हैं, उसको टाइम लगेगा और, तो वहाँ पे ये चीजें नहीं आती है, तो लेकिन आप अगर उसको केस को ठीक से एनालाइज करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके बाद ही ये बंदा बीमार हुआ है, और सिर्फ वहाँ पे ट्रस्ट नहीं करना है, ऐसी बीमारी जो सालों साल चल रही है कुछ महीनों में रस्टॉक के बाद निकल चली है। चलिए मिलते हैं, फिर मिलते हैं, पकौड़े खाइए बरसात में और रस्टॉक दीजिए सक्सेसफुली। बाय बाय बाय।